ये बल खाना है
तरह सुचिः ओम दीर्घायत्वाय बलाय वर्चसे सुपजायत्वाय सहसा यथो जीव सर्गस्वतम हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तारिगुच्छो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वा मरुतः प्रस्निमातरः शुभं पानो विदथे कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निहम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षर्भिर्जजपराः तदैव तारावलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपतेतेन्द्रियबलं विस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः एषामिन्दीपरिश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः वक्रशुण्डमहाकाय कोटिशूरसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वृद्धि तुष्टि वृद्धि होती गुरु श्री के तरफ हाथ जोड़ दीजिए हाथ में छत पुष्प ले रही ओम गणानां त्वा गणपति द्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति द्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति द्वं हवामहे वसो ममे अहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षि विद्या देहि नमोस्तुते धेयं सदा परिभवग्निमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिवविरंचितं शरण्यं धृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाधिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदं छोड़ दीजिए थोड़ा थोड़ा जल से स्नान करा दीजिए ओम गंगा जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु ओम गंधत्वाराम गिराधर्षाम नित्यपुष्टाम करीषणीमीश्वरीम सर्वभूतानामी मल्लिकादेवीसुगन्धेयी मादित्यादेवी वैप्रभो मयानितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम् हरिः ओम मा ब्राह्मणो सप्तमासीदबाहूराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य तवैश्यः पद्भ्यां वंशूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत हस्तप्रक्षालनम् ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षग्वंसी सौर्देवः समवर्तत पद्भ्याम् अश्मनीयं जलम् अखंड ऋतुफलम नारिकेलफलम समर्पयामि ओम जह फल निर्जाय फलाय पुष्पायासि पुष्पणि बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुंच्यंत गंहसः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्भुताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते वीणाधरे विपुलमंगलदानशीले भक्तार्दिनाशिनि विरंचि हरीश वंदे कीर्तिप्रदेखिल मनोरथे महादेव विद्याप्रदायिनी सरस्वती नवमी नित्यम् श्री गौतम कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री एस दास गुप्ता जी का पुष्प गुच्छ भगवान केसरीवान सिमरन जी का पुष्प गुच्छ भेंट का स्वागत करेंगे और मैं हमारी शाखा के ही होनहार और नवयुवक प्रोविजनरी ऑफिसर श्री दीप्ति मंजन भाई से अनुरोध करूंगा कि आज हमारे बीच वरिष्ठ और मैं हमारी शाखा के
जगह मंदिर तक पहुंचने के लिए आइए आज के इस कार्यक्रम का आगाज माँ बिना पानी को प्रणाम करते हुए पुष्प सा प्रेम ज्योति सा ज्ञान और सुगंध सा समर्पण लिए मैं मिशन स्कूल कोटेला के अर्चना सामल जी एवं उनके साथी से निवेदन करूंगा कि माँ बिना पानी को याद करेंगे सरस्वती वंदना करेंगे। मैं अर्चना सामल मैं प्रेमा मीन मिशन स्कूल कुटेला की ओर से आप सबों को कहने तेरी मूर्ति उतारो मैं सार दे तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं सार दे तेरी आरती तू ही सर्वमंगला तू ही भगवती मंजिल तो आसमा है और वहां की मंजिल का रास्ता हमें खुद बनाना है। मैडम सरस्वती पटेल जी और हमारे बैंक के माननीय फील्ड महाप्रबंधक महोदय श्री दास गुप्ता जी और मेरे प्रिय ग्राहक बंधु और मेरा सेंट्रलाइन साथी, ये सरायपल्ली का एक रिनोवेशन प्रीमाइसेस का ये उद्घाटन समारोह, इसके लिए मैं सभी आपको हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। रायपुर क्षेत्र में प्रभारी रूप से मुझे इस राज्य में कार्य करते हुए पूरे 2.5 साल के अधिक समय हो चुका है। मैं पहली बार इधर आया था, ये प्रीमाइसेस देख के इतना ही हो गया था, इसके लिए बलोदे जी भी प्रमुख कारण भी है। ऐसा प्रीमाइसेस में हम बैठे थे, इसको जल्द से जल्द हम रिनोवेशन करेंगे और सभी कोर बैंकिंग ATM फैसिलिटी NEFT RTGS सभी वट एवर टेक्निकल फैसिलिटीज अवेलेबल है वो सब का इधर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हमने उसी दिन डिसाइड किए थे। मेरे को आज बहुत अत्यंत खुशी हो रहा है, ये पूरा प्रीमाइसेस रिनोवेट हो गया है,
लगता है मैं थोड़ा डिले भी हो गया सर रिनोवेशन का प्रोग्राम बनाने के लिए, बीच में ये हो गया था, साहब का आज मिला हमको टाइम मिला, सो ये अभी पूरा प्रीमाइसेस रिनोवेट भी हो गया है एंड ऑल टेक्निकल फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस शाखा में। पहले से मैं सोचता था सभी ग्राहकों को एक बार मिले, बीच में एक बार लोन रिव्यू के लिए आए थे, बट ये अच्छा अवसर मिला है रिनोवेशन का फंक्शन में, मैं सभी मेरा सरायपल ग्राहकों को और एक बार अभिनंदन भी करता हूँ और आप सब लोगों को मैं स्वागत भी करता हूँ। और ये अत्यंत सौभाग्य की बात है आज इस अवसर पर मैडम हमारा विशेष अतिथि है और उनका हाथों से हमने इसका उद्घाटन भी करवाया, मैं मेरे बैंक से तरफ से मैडम और पूरा मेरा क्षेत्र की तरफ से आपका अभिनंदन भी करता हूँ। और आज के हमारे बीच में हमारे माननीय फील्ड महाप्रबंधक दास गुप्ता जी भी है जिनका सहयोग और मार्गदर्शन हमें हर हमारे क्षेत्र के लिए हर एवरी टाइम अवेलेबल मिल रहा था। सर मैं मेरे क्षेत्र के लिए रायपुर की तरफ से और मेरा पूरा सरायपली के ओर से मैं आपको भी ये फंक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सरायपली ब्रांच ये सबसे पुराना ब्रांच है, ऐसा देखेगा तो रायपुर क्षेत्र का है, पूरा बिजनेस फिगर है अराउंड 7,200 crores है। इसमें मैंने आज सुबह सुबह देख रहा था सरायपली का कितना है, लगभग 90 crore है, 90 crore बिजनेस भी है इधर। हम चाहते हैं बिजनेस और बढ़ाएंगे और क्या क्या फैसिलिटीज आपको चाहिए वो सब हम इधर ऑलरेडी उपलब्ध किया गया है, RTGS है, NEFT है, QoS भी मैं लगाने सोच रहा हूँ इधर ATM के साथ साथ। मैं ये चाहता हूँ छत्तीसगढ़ एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ा राज्य है, इधर बिजनेस के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज भी है, उसका हम उपयोग भी करेंगे। मैं स्पेशल मेरा थैंक्स होता है गुरुदेव जी को, आप लोग एवरी टाइम आपने हमको सहयोग दिया है सर, लास्ट टाइम भी मैं आया था आपका सहयोग से भी हो रहा है सर, इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर बड़ोदिया एंड माइक्रोसॉफ्ट। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ मेरा क्षेत्र में जितना ब्रांचेस है सभी कोर बैंकिंग के शाखा है और ऐसा भी यही कोर बैंकिंग पे है। इसके अलावा अभी आजकल प्रधानमंत्री जनधन योजना का भी काम हो रहा था, जब भी माननीय प्रधानमंत्री ने हमको बोला वी हैव टू प्रधानमंत्री जनधन कार्यक्रम का खाता खोलने के लिए, हमारा बैंक ने 53 lakhs खाता खोले, हमारा क्षेत्र ने 1,33,000 खाता भी खोले। आप सबको मालूम है कि हमारा बैंक देश का प्रथम स्वदेशी बैंक है जिसने शानदार उपलब्धियों को हासिल करते हुए हमने 103 साल पूरा भी किए, नाउ इट इज 104th year। मैं आपसे अनुरोध यही करता हूँ हमारी विविध योजना भी हैं वो सबका लाभ उठाइए और हमको सेवा करने का एक अवसर भी प्राप्त करिए। मैं सभी को और एक बार बोलता हूँ आप हमारा सभी एम्प्लॉयज के साथ मिलजुल के आपके बिजनेस के साथ साथ भी हमारा ब्रांच का बिजनेस के लिए भी सहयोगी हो जाइए, हम दोनों मिलजुल के आपका बिजनेस के लिए भी हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सहकार देंगे। कस्टमर्स के बारे में क्या बोलूंगा, इधर सरायपले में बड़ोदे जी अकेला नहीं सभी को देखता हूं मैं, लास्ट टाइम भी आए थे, इतना कोऑपरेशन है। मैं मेरी तरफ से मेरा सरायपले ब्रांच की तरफ से मेरा ब्रांच मैन की तरफ से मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस देता हूं, यू विल गेट ऑल टाइप ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम माय ब्रांच। आप लोग इतने आए हैं, ये फंक्शन इतना अच्छा सुंदर बनाए हैं, इसके लिए भी मैं और एक बार आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन भी देता हूँ और एक बार वेलकम भी करता हूँ। ये इतना सुंदर भी गाना गाया आप लोगों ने, आप सबको लिए भी मेरा हार्दिक अभिनंदन है और आप सबको भी मैं और एक बार प्रकट थैंक्स प्रकट करते मैं मेरा एक छोटा सा भाषण। मैं आप सभी ग्राहक बंधुओं को बता दूं कि हर कस्टमर के लिए हमारी शाखा के लिए कुछ भी चीज़ आवश्यकता रहता है, हमारे शिवानंद साहब का सीधा आशीर्वाद मार्गदर्शन हमारे लिए रहता है, कुछ भी चाहिए बोलो विजय, हम तुरंत प्रोवाइड करेंगे और उसको बिजनेस में कन्वर्ट करो। निश्चित तौर से हमने यहाँ प्रयास किया है समाज के हर वर्गों को जोड़ने के लिए। मैं आज के हमारे फील्ड महाप्रबंधक श्रीमान दासगुप्त साहब एवं सभी को मैं बताना चाहूँगा कि पूरे 6 महीने में 22,500 कस्टमर हमारी शाखा के साथ जुड़े हैं, जोरदार
आज एक दिन में 500 से 600 ग्राहक यहाँ पर आते हैं। निश्चित तौर से मैं काफी अपने आप को उत्साहित महसूस करता हूँ और भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मेरे द्वार पर इतने कस्टमर आस्था और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं। ये सब आपकी वजह से है, ग्राहक बंधुओं की वजह से है। आप रहेंगे तो हमारा बिजनेस जरूर बढ़ेगा। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वाजपेयी साहब से इन शब्दों के साथ अनुरोध करूंगा कि आज की सभा को संबोधित करेंगे कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को अपने लक्ष्य से दूर करना क्योंकि जिसका कोई विकल्प नहीं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मेरी बहू सरस्वती पटेल नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे बीच आज उपस्थित दासगुप्ता महाप्रबंधक जी और साथ में क्षेत्रीय प्रबंधक जी जिनका संबोधन अभी आप लोगों ने सुना और यहाँ की टीम के जो लीडर हैं विजय बांका, इनको मेरे ख्याल से हर व्यक्ति जानते हैं। इनसे अगर कार्य नहीं निपटता तो ये गौतम जी हैं, गौतम जी से नहीं निपटता तो ये सभी लोग हैं। देखिए बैंक जो है एक प्रकार से जो परिवार का वातावरण रहता है, अगर अपन उसको याद करें अपने परिवार में जब जाते हैं तो हमको इतना सुख मिलता है और ये सुख इसलिए मिलता है कि वहाँ जब हम जाते हैं घर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का जो वातावरण ऐसा रहता है वो हमको आनंदित कर देता है। हमको ये विश्वास रहता है कि हमको पका पकाया खाना, अच्छी सब्जी, अच्छा प्यार सब कुछ मिलेगा और अगर ये बात रहती है उस परिवार में तो धीरे धीरे पारिवारिक वातावरण प्रेम में बदल जाता है। अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण होती है जीवन में, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और सही रूप से मेरे को वो दिन याद आता है जब सरईपाली में सिर्फ एक ही बैंक था और वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, कोऑपरेटिव बैंक था। बैंकिंग प्रणाली उस समय इतनी विकसित नहीं थी जितनी आज विकसित है और चूंकि दिन दूनी रात चौगुनी आपकी आवश्यकताएं अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी महानुभावों को कांग्रेचुलेट करूंगा कि जो सेंट्रल बैंक शुरू से यहाँ पर जो अपना जड़ जमाया वो जड़ धीरे धीरे इतनी अच्छी रही। मैं तो डॉक्टर हूँ, गरीबों से भी मिलता हूँ, अमीरों से भी मिलता हूँ और करीब करीब हर व्यक्ति आकर के मेरे पास इस बैंक की तारीफ करता है। और अभी फिलहाल जो शासन की योजनाएं है केंद्र सरकार की, बैंक को एक सेकंड बैठने नहीं देंगे ऐसा लग रहा है मेरे, क्योंकि रात दिन जितनी भीड़ रहती है यहाँ, जब भी आओ तो ऐसा लगता है भीड़ है, पता नहीं कितना ट्रांजेक्शन आपके बैंक के थ्रू हो रहा है। और कोई भी व्यक्ति चाहे ये बच्चा क्यों ना, अभी वो बच्ची से जो गाना गा रहे थे आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं उससे मैं पूछ रहा था तो बताइए हमारा भी यहाँ खाता है, तो ये इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी कि एक छोटे छोटे बच्चे में जो वयस्क नहीं हुआ है उनको भी जागरूकता है कि हम अपने आप को बैंक से जोड़ें। और बैंक से जब हम जोड़ लेते हैं तो स्वाभाविक है जहाँ अभी हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे जो हमारे प्रणेता प्रेरणा स्रोत सब कुछ जिन्होंने अर्थव्यवस्था को लाइन में लाया और पूरी श्रद्धा से पूरे समर्पण से सब कुछ किए और वही समर्पण वही भावना सेंट्रल बैंक पे है ऐसा मैं देख रहा हूँ। और मैं आप सबको अपनी तरफ से और जितने आपके कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से भी बधाई दे रहा हूँ कि जो आप लोगों ने अपनत्व का भाव अपनाया, जो कार्य प्रणाली क्षमता को आपने प्रदर्शित किया, इस क्षमता को अगर बरकरार रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आजकल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि भीड़ में मेरे को आधा घंटा एक घंटा बैठना पड़े। बाहर जब बैठ कर के मैं पूछ रहा था तो कई लोग वो बोले कि नहीं बहुत अच्छे ढंग से सब चीज़ निपटा रहे हैं। और साथ में जब पूछो भाई मेरे को आधा घंटा हो गया तो मैनेजर साहब या जो भी व्यक्ति वहाँ रहता वो यही बोलता है कि आप देख लीजिए मैं खाली नहीं बैठा हूँ। और ये तो सौभाग्य है आपका कि आपको खाली बैठने को नहीं मिल रहा है, उसी के लिए आपको अधिकार दिया गया है और कर्तव्य से जोड़ा गया है। और मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम्स हैं
जैसे मान लीजिए एटीएम बीच में बिगड़ गया, वही इलेक्ट्रॉनिक और इसका सबका कई मशीनें हैं जिनकी यहाँ आवश्यकता है। जैसे नोट गिनने की मशीन है, अगर उसको लगा दें तो जो कस्टमर आता है वो अपने ढंग से देख करके आपके चीज़ को मतलब स्मूथ कर सकता है। जी डॉक्टर सर, ये और बाकी कस्टमर के लिए नोट गिनने की मशीन, इसमें मेरे ख्याल से अगर किसी भी व्यक्ति को आप पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि वी आर सेटिस्फाइड। कहीं पर कोई शंका नहीं है कि हर व्यक्ति को आप अपनी संतुष्टि दे रहे हैं, और जो परिवार की संतुष्टि रहती है आदमी अर्थ की व्यवस्था से आता है इस उम्मीद से कि मेरे परिवार का एक बैंक सेंट्रल बैंक में भी बैठा है। और सेंट्रल बैंक के जो महाप्रबंधक प्रबंधक साहब हैं और जो क्षेत्रीय प्रबंधक साहब हैं, इनका विशेष प्रेम है शरीफ अली से, ऐसा मेरे को लगता है। और आगे भी ये प्रेम बना रहेगा, और जो डिमांड यहाँ के मैनेजर साहब आपसे करेंगे उसको आप पूरा करेंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा है और मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी साहब। मैं आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर वाजपेयी साहब हमको प्रत्यक्ष रूप से बैंक की अच्छाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए हर चीज, जिस समय भी हमारा कार्यक्रम होता है वो समय देते हैं, वो काफी व्यस्त रहते हैं फिर भी समय देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। निश्चित तौर से हम काफी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रबुद्ध जन और वरिष्ठ अनुभवी या नागरिकों का हमारे साथ सम्मान के साथ जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जैसा कि उन्होंने बोला कि नोट काउंटिंग मशीन, ये बात मैंने एक महीना पहले हमारे माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के पास साथ रखी थी, तो वो मशीन हमारे पास आ चुकी है सर, जोरदार कर्तव्य होने के साथ। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच बड़ा सौभाग्य की बात है कि पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं हमारे माननीय फील्ड महाप्रबंधक जो रायपुर, अंबिकापुर और संबलपुर इतने बड़े एरिया को देखते हैं। निश्चित तौर से उनको रातों में नींद नहीं आती होगी, बिजनेस बढ़ाने के लिए हर हर कस्टमर, एक एक कस्टमर से बात करते हैं और सुनने के लिए आतुर हैं। इन शब्दों के साथ कि उम्मीद तो खोया नहीं करते, साहिल अगर दूर हो तो रोया नहीं करते, जो लोग रखते हैं तड़प दिल में कुछ पाने की वो लोग रातों को भी सोया नहीं करते। रातों को डॉक्टर वाजपेयी, आज के विशेष अतिथि हमारे सभी ग्राहकों, सेटेलाइट साथियों, मैं रात को अच्छी तरह सोता हूँ और ये श्रेय आप लोगों को ही जाता है, कस्टमर्स को। आप लोग इतने प्यार से जुड़े हुए हैं इसके लिए मैं सो सकता हूँ, क्योंकि हमारी बिजनेस आप ही बढ़ा रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे ब्रांचों में जो काम कर रहे हैं हमारे सेंट्रलाइज साथियों, वो भी अगर आपके साथ इतने अच्छे से मिलजुल के आज जो मैं कार्यक्रम देख रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब के जो चार शब्द डॉक्टर साहब ने बोले, वही मेरे भावनाएं हैं, वही मुझे वही चाहिए जो डॉक्टर साहब ने आज बोला है। रही बात तकनीकी मशीन्स की, वो जब भी डिमांड करते हैं हमें मालूम नहीं था, अभी जैसे ही शायद उन्होंने डिमांड किया हमारे शिवानंद जी ने आपको नोट काउंटिंग मशीन दे दी। भीड़ अक्सर दो ही चीज़ के लिए मेन होता है, एक तो पैसा विड्रॉ करना और दूसरा पैसा जमा करना। पैसा विड्रॉ करने के लिए एटीएम मशीन तो आ गई है, एक दूसरी मशीन भी है कैश डिपॉजिट मशीन, जो कि अब धीरे धीरे ब्रांचों में लगनी शुरू हो गई है। और जहाँ जहाँ लगा है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वहाँ काउंटर पे कैश जमा करने कोई जाता ही नहीं है, वो मशीन पे जमा करता है कैश भी चेक भी, और मशीन तुरंत उसको काउंट करके रिसीट दे देती है आपको। तो आपको भीड़ करने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी मशीन अब आना शुरू हो गया है, शायद कुछ ही दिनों में यहाँ पर भी आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि जिस तरह से हमारे ब्रांच के लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आप हमसे जुड़े हुए हैं, सबसे पुराना ब्रांच है, आगे भी चलकर हम और भी तरक्की करेंगे आपके लिए भी हमारे। धन्यवाद। हमारे इस अंचल के मुखिया और उनका आशीर्वाद हमें हमारे साथ शुरू से ही रहा है सरायपाली के लिए। और मैं आप लोगों को ये सूचना दे दूं कि हमारे यहाँ कियोस मशीन भी सैंक्शन होके यहाँ डिलीवरी हो गई है, और वो कियोस मशीन से आप पासबुक प्रिंट कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं बिना बैंक के आए, बाहर भी एटीएम मशीन के साथ लगेगा, कुछ ही दिनों में वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ सर, आपने ये सब सुविधा हमको दिया। विश्वास दिलाता हूँ कि उसको व्यवसाय में तब्दील करने का मुझे गौरव प्राप्त होगा, मैं ये सब विश्वास दिलाता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस नगर सरायपाली के प्रथम महिला
माननीय श्रीमती सरस्वती पटेल जी यहाँ पर विराजमान है, निश्चित तौर से जोरदार कर्तव्य ध्वनि से उनका अभिनंदन करूँ। मैं उनसे इन पंक्तियों के साथ निवेदन करूंगा इस सभा को संबोधित करने के लिए कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, पत्थर से तो शीशे टूट जाते हैं पर एक पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। कठिन परिस्थिति में यहाँ पर जीत हासिल की है रिकॉर्ड मतों से और एक समाज में अच्छा कार्य करके दिखाया है। हम चाहते हैं कि दोनों नगर के साथ मिलके, बैंक के साथ मिलके योजनाओं को अच्छी तरह से लाभान्वित लोगों के साथ पहुंचाएं और आगे बढ़ाएं। मैं निवेदन करता हूं श्रीमती सरस्वती पटेल जी के साथ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सराइपाली के नव सजीव शाखा के शुभारम्भ के अवसर पर अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री डॉक्टर वाजपेयी जी, श्री एस दास गुप्ता जी फील्ड महाप्रबंधक सेंट्रल बैंक, श्री के शिवानंद जी क्षेत्रीय शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक, विशिष्ट अतिथि श्री पवन अग्रवाल जी बलोधिया रईस मिल, श्री विजय जी शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक सराइपाली एवं यहाँ कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारीगण तथा सम्मानीय अतिथिगण, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नव सुसज्जित शाखा के उद्घाटन के अवसर पर मैं बैंक के सभी ग्राहकों एवं सराइपाली वासियों को बधाई देती हूँ एवं इस शाखा के माध्यम से ग्राहकों को एक नया अनुभव मिलेगा। सेंट्रल बैंक काफ़ी पुराना एवं बड़ा बैंक है। सराइपाली में 45 वर्ष से यहाँ बैंक का कार्यरत है। निश्चित तौर पर यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी है, समाज का हर तबका बैंक से लाभदायी सुविधा प्राप्त करें, मैं यही कामना करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती पटेल जी, आप निश्चित तौर से नगर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और आगे इसी ऊर्जा उत्साह के साथ हम लोग भी मिलजुल के काम करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे शाखा के साथी श्री गौतम कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। गौतम कुमार जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती सरस्वती पटेल, डॉक्टर वाजपेयी साहब, हमारे बैंक के समृद्ध ग्राहकगण, पत्रकार बंधु, हमारे सेंट्रल लाइट साथियों, हमारे बीच के हमारे अंचल के मुखिया दास गुप्ता साहब, हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक श्री के शिवानंद साहब एवं हमारे प्यारे साथीगण ग्राहक, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। आज हम लोग को सौभाग्य मिला कि आज इतने सारे लोगों के बीच हम लोग ये कार्यक्रम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आप लोगों ने इतना अच्छा सहयोग दिया, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के छात्र छात्राओं ने, शिक्षकों ने, सभी ने सहयोग दिया, अमूल्य समय दिया और ये कार्यक्रम अविस्मरणीय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। साथ ही ये इस संस्था, ये संस्था काफ़ी पुरानी संस्था है, इस संस्था में आप लोगों ने जो विश्वास बनाए रखा, हमारे सेंट्रल बैंक के प्रति जो आप लोगों ने विश्वास बनाए रखा, इसके लिए भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। साथ ही हमारे मैनेजमेंट को भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ जिन्होंने ब्रांच के जीर्णोद्धार के लिए समय निकाला, धन निकाला एवं इसका क्रियान्वयन करवाने में बहुमूल्य योगदान समय समय पर इन्होंने दिया। हमें याद है कि जब हमारे ब्रांच का रिनोवेशन का कार्यक्रम चल रहा था उस समय हमारे आंचलिक प्रबंधक साहब भी आए हुए थे, उन्होंने भी एक दौरा किया था और उन्होंने हमको मेरे पीठ पर हाथ रख करके बोला था कि तुमको किसी भी तरह की आवश्यकता हो तुम हमसे बात करोगे, बेझिझक बात करोगे, लेकिन कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं हुई, हमें सर से बात करने का अवसर नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम लोगों ने जो जो चीज चाहा, हमारा सेक्शन कुछ प्रीमाइसेस का अलग ढंग से था, उस सेक्शन को हम लोगों ने रद्द करवाया, दूसरा हमने अप्रूवल लिया,
उस अप्रूवल में हमारे क्षेत्रीय महाप्रबंधक का भी जो है काफी योगदान था, एक झटके में उन्होंने सैंक्शन दे दिया। साथ ही जब हमारा कार्य प्रीमाइसेस का रिनोवेशन हो रहा था, इन्होंने भी एक दौरा किया था, उन्होंने बोला था अभी तुमको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ हो जाएगा, जैसा जैसा काउंटर चाह रहे वैसा वैसा हो जाएगा। आज मैं देख रहा हूँ और इनके सामने ये साफ सब भी देख रहे होंगे कितना सुव्यवस्थित लग रहा है। साथ ही हमारे कस्टमर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रीमाइसेस हमारा सितंबर 2014 में रेडी हो गया था, सारी चीजें लग गई थी, लेकिन आज तक हमारे प्रीमाइसेस में कहीं आपको एक गंदगी भी नहीं है। और हमारे ग्राहक बंधु इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ग्राहकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारे ब्रांच के प्रीमाइसेस को साफ सुथरा रखने में भी आपका चाहूंगा कि आप लोगों से कि आप लोग और मैं निवेदन करूंगा श्री शिवानंद साहब से कि मैडम का भी टीचर जो है हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और हमारे जो उनके पूरे परिवार का खाता है, मतलब साथ हमारे बीच एक एडवोकेट साथी हैं जो हमारे जो जटिल समस्याएं होती हैं हम उनको पास कर देते हैं, उनका रात के 12 बजे भी उनका सहयोग मिलता है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से कि दिलीप भोई का भी उनका स्वागत करें। और सभी को स्वल्पाहार के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि गतिशील करो इन चरणों को कि मंदिर तुम्हारे पास नहीं है, काल चक्र गतिमान है, वह किसी का दास नहीं है, सार्थक कर डालो जीवन के इन हर सपनों को क्योंकि इन सांसों का बल भर भी विश्वास नहीं है। इन सांसों का बल सभी स्वल्पाहार करके जाएंगे। जैन साहब को यहाँ नहीं पाया जब चेंज हुआ ना, परेशान हुए।